बेगूसराय को एक नाम देंगे। और रोशन सर भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, अगर इनसे जुड़ना चाहेंगे तो इनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे सिखाते हैं, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं ताकि बच्चे आगे जाए, और भी बच्चे हम लोग को देख रहे हैं इन्हीं के। हम बनेंगे कंटा पे लाइट बराइए ना, कैसे नंबर थे जून जो मच शुरू करते हैं। और क्या नाम है आपका? दू मचाते हैं, दो ज्यादा हर होता है। कहाँ से हैं आप? बड़ी जी, आपने सबसे पहले जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना ये बताए कि किसमें आपने कौन सा आप ये बताए कि ये जॉब आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? जॉब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस लाइन को भी ठीक है, मतलब हमारे लिए 90% यूज डाटा ये लाइन अच्छा लगता था, हमेशा देश को सर्व करने का एक मौका चाहिए, इसलिए आगे आप क्या क्या करते हैं? मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा आपको किस चीज जरूरी है? आप देख रहे हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छी है। मैंने पूछा जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छी है, आप अच्छे करो। मतलब और क्या क्या करते थे घर में? घर में कुछ कोई हॉबीज वगैरह, गाना पेंटिंग वगैरह कुछ? चलिए, बहुत ही लग रहा है ये स्ट्रिक्ट रहती थी तो चलिए, जो हमारे यहाँ के जो महिलाएं देख रही हैं हमेशा से मेरा पढ़ाई में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा, स्कूलिंग में भी मतलब पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहा, और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स बस ग्राउंड में थोड़ा बहुत कम। कौन सा इस लाइन में जो आपने जो तैयारी कर रहा था, मतलब फिजिकल में तैयारी कर रहे थे, कौन सा लेवल आपको बहुत टफ लगता? मुझे लॉन्ग जम्प थोड़ा टफ लग रहा था। लॉन्ग जम्प जी। रनिंग कैसा लगा? रनिंग मेरा ठीक था। अभी कितने पे क्वालिफाई किया आपने? 3:20। तीन कितना किलोमीटर? 800 मीटर 3:20 में 3:20 जी। तो कितने लोग थे उस समय, क्या लगा था कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, 16 लड़कियां दौड़ रही थी एक बार में, और मैंने थर्ड नंबर पे किया था इसको। इस समय जब दौड़ रही थी तो 16 लड़कियां थी, तो आपको लगा था कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे? हाँ जी, थोड़ा दूर ही दौड़ने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कम्प्लीट कर लूँगी। अगर उस समय नहीं क्वालिफाई कर पाती तब क्या होता? तब फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करती, खुद को तैयार करती बस। तो जो यहाँ से लड़कियाँ जो देख रही हैं, जो आपके जैसा इस लाइन से जुड़ना चाहेंगे, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस खुद का कॉन्फिडेंस इतना हाई रखना है कि मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो कभी भी हम अपने मकसद को जरूर पहुँच पाएंगे। यही आपका मूल मंत्र है? जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस अगर हाई रहेगा तब आपकी मनोबल भी बढ़ते रहेगी। इसमें हमारे बीच एक और हैं, इनकी हाइट पिछले बार मैंने तारीफ भी की थी इनकी हाइट को लेकर। और क्या नाम है सर आपका? आदर्श। आदर्श जी, आपने भी इसमें क्वालिफाई किया है, कैसा रहा आपका, मतलब रनिंग कैसा रहा आपका? जी, रनिंग मैंने 6:12 और 16 लड़कों के मैच में दूसरे नंबर पर आया। 6:12 कितना किलोमीटर? 1600 तालीम के लिए भी, क्योंकि 1600 मीटर ये दौड़े हैं और 6:12 में आपने किया, क्या लगा था? पिछले बार हम आपसे मिले थे, आपके पास तारीख में हमारे हमने पूछा था कि आप लोग इन लोग को देख रहे थे तो क्या लगता था, तो बोले मेरा भी नंबर आया था, तो आप क्वालिफाई हुए थे खुश हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वैसे आप कहाँ से रहने वाले हैं? लोहिया। चलिए, आपको भी लगा था कि आप हम किसी मतलब कि क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर क्या आप लोग अपने किसको ये श्रेय देते हैं, किसको देते हैं? श्रेय सर, हर स्टूडेंट का मेहनत तो होता ही है, लेकिन सर का जो गाइडेंस था हमारा, सर हर वक्त सर ने जो मोटिवेट किया हमें, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, सर का मोटिवेशन हर जगह काम आया सर। और ये प्रैक्टिस यहाँ का था जो वहाँ पे हमने जाके इतना आसानी से कर दिया, क्योंकि दूसरे लड़कों को देखने के बाद लग रहा था कि प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरे लड़कों को देखने के बाद मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब वहाँ पे सर बहुत ऐसे लड़के थे जिनका नहीं हो पा रहा था, या फिर किसी वजह से जो बहुत कह रहे थे कि प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं, या बहुत कुछ ही दिनों पहले किया हूँ,
तो ऐसा लग रहा था वहाँ कि यहाँ प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अगर आप सही से हर इवेंट का प्रैक्टिस किए तो बहुत ईजिली सर का सारा किया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ सर, किसी भी इवेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर प्रैक्टिस करें आप। आपका क्या मूल मंत्र है जो स्टूडेंट को शेयर करना चाहते हैं? मेरा मूल मंत्र यही है कि सर, चाहे किसी भी चीज़ में भले ही आप कमज़ोर हो या अच्छे, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं पूरे दिलो जान से तो ज़रूर ही आप सक्सेस होंगे। और आपको कौन सा पार्ट टफ लगता था, मतलब फिजिकल में? फिजिकल में सर मैंने रनिंग था। आपने रनिंग ही था? रनिंग मेरी हाइट है, हाइट के आपको फाइनल नहीं देता था? हाइट का सर लॉन्ग और हाई जंप था, दौड़ता था, लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं था। तो यहाँ से जो युवा देख रहे हैं, जो आपके जैसा अगर पुलिस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं लेकिन आजकल आने लगे हैं, उनको क्या आप कॉन्फिडेंस लेवल देंगे? उन लड़कों को ये कहना चाहूँगा कि सर, देश की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता, और अगर आप डिफेंस लाइन में आएंगे तो उससे बड़ी देश की सेवा कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर फौजी नहीं रहेगा तो देश नहीं। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, कविता वगैरह सब भी लिखते थे क्या? जी नहीं सर, ऐसे ऐसे। तो ये सब लाइने कहाँ से है, मतलब प्रैक्टिस करते करते अकेला फिल्में देखता हूँ? आप लोग ऐसे ही आगे बढ़े और बेगूसराय का नाम ऐसे रखे हैं। तो ये दो लोग बच्ची हैं जिन्होंने सीटीओ क्वालिफाई किया है, एक बड़ी एक से हैं और ये नगर से हैं। तो चलिए ऐसे ही इनके स्टूडेंट, इनके सर से जानते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, बेगूसराय के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और हम इनको दिखाने का प्रयास करते हैं। सर आप आइए। सर रोशन सर हैं यहाँ पे, आज इनके चेहरे पे फिर खुशी होगी और मिठाइयाँ सभी बच्चों को बांटेंगे ये। क्या सर, आपके बच्चे फिर क्वालिफाई किए हैं? 100% जब हम अपना योगदान देते हैं तो फिर बच्चे 100% वहाँ से रिजल्ट भी बना के आते हैं। अभी तक तो 100% क्वालिफाई वहाँ से आए हैं और एक दो बच्चे सीखिए कि अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी जस्ट उतरे ही हैं तो रक्षाबंधन है, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो फिर अगले बार मिलेंगे उन बच्चों से। इतने कम स्टूडेंट में भी आप सर इतने स्टूडेंट दे पाते हैं, बहुत मायने करता है, क्योंकि बड़े बड़े संस्थान में जाते हैं जहाँ हजारों बच्चे रहते हैं, 2000 बच्चे रहते हैं, 2000 पे 10-20 रहते हैं, लेकिन आपके 10 पे ही 2-3 रहते हैं, तो बहुत मायने करता है ये। अगर सोचिए 10 में 10 निकले तो 9-8 निकलेंगे, अगर सोच लेंगे कि 2-3 निकले तो फिर कहाँ से रिजल्ट दे पाएंगे। मेरा जो सोच है 100 में 100% का सोच है, जितना 100% देना चाहते हैं। इसका ट्रिक टेक्निक बहुत अगर इजी है, ये लड़की 9 फीट लॉन्ग जंप नहीं कर पाती थी, 7 फीट 8 फीट होता था। 2 दिन आई थी, पता चला कहीं से इनको, इनका घर तो ओरिजिनल में दरभंगा है, तो यहाँ राष्ट्रीय है एक में, इनको पता चला कहीं से तो ये आई, 2 दिन में इनका जो है 11-12 लॉन्ग जंप। इसके पास जो जुनून था ना, बहुत अच्छा जुनून था, हम देखें इसका स्प्रिंट भी बहुत अच्छा था, मतलब जुनून भी एक तरह मायने रखता, मायने करता। हाँ, फिजिकल में मेन जुनून को जगाना मायने रखता है, जुनून तो सबके पास है, तो अगर जगा के ऊपर ला के उभर के कुछ हासिल कर ले तो जुनून जुनून कहलाता है। चलिए ऐसे ही जुनून अपने बच्चों में भरते रहिए, ऐसे रिजल्ट देते रहिए और ऐसे ही हम आते रहेंगे हर बार, आपके बच्चों को हमेशा दिखाते रहेंगे और ऐसे जुनून को हम भी हमारी टीवी की टीम भी सलाम करती है। उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको भी दिल को धन्यवाद, बार बार इस प्लेटफॉर्म पर ला के हमको जो आगे बढ़ाते हैं, तरह दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर निकाल कर यहाँ आए और हम सबके भी वार्तालाप करें। तो ये थे रोशन सर, जिनके द्वारा 2 बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं और जल्द ही नौकरी में जाएंगे और बेगूसराय को एक नाम देंगे। और रोशन सर भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, अगर इनसे जुड़ना चाहेंगे तो इनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं ताकि बच्चे आगे जाए। और भी बच्चे हम लोग को देख रहे हैं इनके क्लास के हैं, पिछले बार भी उनसे बात किया था, उनसे बात करते करते एक लड़के ने तो क्वालिफाई कर गया, और किसी से बात करते हैं हमारे बीच है। क्या नाम हुआ सर आपका? जीसी जी, आपसे मैंने पिछले बार भी बातचीत की थी, पिछला एक लड़का उस समय बातचीत करते करते मैं क्वालिफाई कर गया, अब लगता है आप ही लोग की बारी है। क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, अच्छा लग रहा है, मेरा नंबर भी आ रहा है, तैयारी चल रहा है, तैयारी लगे हुए हैं, जब टाइम देगा राज बढ़िया तो है। ये भी पिछले बार आपसे मिले थे क्या? हाँ,
तो आज नेक्स्ट टाइम आपका भी नंबर आएगा, आने वाला है आकर के, मतलब कोरोना के वजह से डेट का आगे बढ़ गया है, लोग अभी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, जैसे डेट आएगा 100% हम लोगों का टाइमिंग जो बेहतर जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट में बेहतर टाइमिंग लगता है, तो एक विश्वास ऐसा बन गया है कि वहाँ से भी क्वालिफाई करते हैं। चलिए आपका जो जज्बा है आप बरकरार रहे और इंतजार करिए, आपका भी नंबर आएगा। थैंक यू। स्टूडेंट हैं आपके, दो लोग आप क्वालिफाई कर गए, पास कर गए, अब आपका भी नंबर आएगा। थैंक यू। सौरभ राहुल, सौरभ चमक जाएंगे। आइए मैडम, आप आइए, मुस्कुरा रही पिछले बार भी इनसे हमारी लाइसेंस देंगे कि आप आइए क्वालिफाई करके और टीवी स्टूडियो में आकर अपने जो कहानी है, जो संघर्ष है वो दिखाएंगे। तो एक और है, ये भी पिछले बार हमें, मुझे लगता है चेहरा याद है मुझे, क्या आज आपके दो स्टूडेंट आपके साथ जो आपके साथ प्रैक्टिस करते थे वो क्वालिफाई कर गए, क्या जाना? सर, जो मेरे साथ स्टूडेंट प्रैक्टिस करते थे ये काफ़ी मेहनत करते थे और ये रेगुलर आते थे, अभी एब्सेंट नहीं करते थे, सर संडे को टेस्ट लेते थे और ये टेस्ट में भी हमेशा जो टाइम होता था उस टाइम के अंदर ही ये लोग आ जाते थे और अच्छा प्रैक्टिस ये लोग करते थे, तो इससे मुझे लगता है कि टाइम मेंटेन करने जाना चाहिए। टेस्ट होता है 7 डेज प्रैक्टिस करवाते हैं, संडे को टेस्ट होता है, अगर आप उस टेस्ट में यहाँ क्वालिफाई हो रहे तो चांस हो स्टूडेंट को आ जाता है करो आया ले कौन सी अच्छा कर सके और आपकी और हमारी सभी डिफरेंस विभाग में जो है सभी कहानियों को आगे आगे प्रेरित आपके सामने लाता है ताकि आप इन कहानियों से प्रेरित हो। इसके साथ मैं कुमार साहु लेता हूँ, अवसर विदा, नमस्कार।